उत्तराखंड में लगातार किसानों की मौत हो रही है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमले कर रहा है। वहीं उधम सिंह नगर पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने बिरिया भूड ग्राम सभा में मृतक किसान के घर पहुंच सांत्वना दी, और वहीं पूर्व सीएम ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि किसानों को लेकर सरकार के पास कोई रणनीति नहीं है। पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से भी, राज्य के लोगों की तरफ से भी सांत्वना प्रकट करने के लिए भी आया हूं, और इस घर के माध्यम से सब किसान भाइयों से ये कहने के लिए भी आया हूं कि धैर्य रखें, हिम्मत रखें, सारा राज्य उनके साथ है और घबराएं नहीं। यदि वसूली का नोटिस आ रहे हैं तो हम राज्य सरकार से बातचीत करके वसूली के दबाव को कम करवाएंगे, किस्तें करवाएंगे, समय दिलवाएंगे किसानों को। और ठीक है, कर्ज अदा करना ही पड़ता है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि केंद्र सरकार अपने वादे के अनुसार नरेंद्र मोदी जी जो है कर्ज भी माफ करें। गौरतलब है कि पिछले कुछ वक्त में किसानों ने आत्महत्या की है, जिस वजह से विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में लगा हुआ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए उधम सिंह नगर से यामिन मलिक की रिपोर्ट।